नमस्कार डीवी न्यूज की खास खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक परिवार ऐसा है जिनके घर में बच्चे दिन में भी लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस परिवार ने जिले के कलेक्टर को भी एक लालटेन भेंट किया है। यह सूचना जितनी हैरान करने वाली है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है इस घटना का कारण। दरअसल ग्रामीण परिवेश वाले इस परिवार के घर में बिजली का बिल इतना आ रहा था कि इन लोगों ने बिल भरना ही बंद कर दिया। वहीं जब बकाया राशि 26,000 से अधिक हो गई तो बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। ऐसे में इस परिवार ने विरोध के तौर पर कलेक्टर को लालटेन भेंट किया है। मामला बुरहानपुर के गांव लोनी का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले समाधान भागवत मेहनत मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाते हैं। उनके घर में पत्नी के अलावा 4 बेटियां, पुत्र और एक दिव्यांग भाई है। बिजली विभाग ने पिछले महीने उन्हें 26,000 रुपए का बिल थमाते हुए कनेक्शन काट दिया था। तब से यह परिवार अंधेरे में गुजर बसर के लिए बाध्य है। इसी क्रम में इस परिवार ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पेश होकर उन्हें लालटेन भेंट किया है। कहा है कि पहले उनके कनेक्शन पर बिजली का बिल 100 रुपए आता था, लेकिन एक महीने से कभी 2,000 तो कभी 4,000 रुपए बिल आने लगा है। पिछले महीने तो हद हो गई, बिजली विभाग ने उन्हें 26,000 रुपए का बिल थामते हुए कनेक्शन ही कट कर दिया है। इसकी वजह से वह एक बार फिर से लालटेन युग में पहुंच गए हैं।